बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मोडेम के टॉपिक को डिस्कस किया था और मोडेम एक कम्युनिकेशन हार्डवेयर है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, तो आइए आज हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की डिटेल देखते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनके जरिए कोई भी टास्क परफॉर्म करवाया जाता है। और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान किस तरीके से कम्युनिकेशन करवानी है ये बताते हैं। आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं। डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग में राउटिंग के मानी है रास्ता, और डेटा राउटिंग मींस डेटा को किस रास्ते से भेजना है। तो फ्रेंड्स, अगर दो कंप्यूटर के दरमियान वाइड मीडियम है यानी केबल्स के थ्रू डेटा जाना है, तो फिर उनका राउट फिक्स्ड होगा, यानी उन्हें उस केबल से गुजर कर ही रिसीवर के पास पहुंचना होगा। लेकिन अगर वायरलेसली डेटा जाएगा, यानी अगर वेव्स के थ्रू डेटा जाएगा, तो उनका मीडियम तो एयर है, और एयर में कई तरह के अलग अलग राउट्स अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए राउटिंग एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग राउटिंग एल्गोरिथम्स मौजूद होते हैं और जिसके जरिए डाटा को उसी राउट से भेजा जाएगा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, और उस राउट की एफिशिएंसी का तायुन किया जाता है कि उस नेटवर्क में मौजूद राउट्स में कितना ट्रैफिक है। मींस, क्योंकि एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, तो अगर एक राउट में पहले से किसी और कंप्यूटर का डाटा ट्रैवल कर रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर उस राउट से आपके डाटा को नहीं भेजेगा। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान मल्टीपल रास्ते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये डिसाइड करता है आपके कंप्यूटर में मौजूद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फराहम करता है वो है डेटा सीक्वेंसिंग। दोस्तों, डेटा सीक्वेंसिंग के माने हैं डेटा को एक साथ जोड़ना, और डेटा को जोड़ा तो तब जाएगा जब उसे कई पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपका डेटा बहुत लार्ज साइज का होता है, और अगर हम उस बड़े साइज के डेटा को एक साथ सेंड करेंगे तो उसमें बहुत सा वक्त लगेगा रिसीवर तक पहुंचने में। इसीलिए आपके कंप्यूटर में मौजूद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर उस लार्ज साइज डेटा को छोटे छोटे डेटा यूनिट्स में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और फिर जैसे कि आपने डेटा राउटिंग में भी देखा था कि मल्टीपल पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो इन छोटे छोटे डेटा यूनिट्स को अलग अलग पाथ से भेज दिया जाता है, और जब डेटा रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो फिर से आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर उन छोटे छोटे डेटा यूनिट्स को एक साथ जोड़ देता है। इस तरह ये लार्ज साइज डेटा रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है डेटा सिक्वेंसिंग का। और ये देखिए, दी सॉफ्टवेयर्स ब्रेक द लॉन्ग डेटा इंटू स्मॉलर ब्लॉक्स कॉल्ड पैकेट्स एंड फ्रेम्स, और इन स्मॉल डेटा यूनिट्स को पैकेट और फ्रेम का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फराहम करता है वो है फ्लो कंट्रोल, मीन्स डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो तेजी के साथ डेटा को सेंड कर सकता है, लेकिन रिसीविंग एंड पर जो डिवाइस है वो इतनी फास्ट नहीं है। तो अगर आपका कंप्यूटर तेजी से डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर आहिस्ता आहिस्ता डेटा को रिसीव करेगा, तो ऐसे में बहुत सा डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपके कंप्यूटर में मौजूद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सेंडर को बताता है कि उसे कितनी स्पीड से डेटा को सेंड करना है जिसको रिसीवर रिसीव कर सकता है, और इस तरह कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रिवेंट्स अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है वो है एरर कंट्रोल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा जब फ्लो कर रहा होता है किसी भी मीडियम से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और नॉइस की वजह से डेटा में एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी डेटा में अगर एरर्स हैं तो उन्हें डिटेक्ट करते हैं और फिर सेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस डेटा को रिट्रांसमिट करे।
एरर्स को रिमूव करके। तो ये फंक्शनैलिटी भी आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फराहम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है वो है कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल यूज ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, और एक साथ कई कंप्यूटर्स डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाटा कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो है कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टीपल यूज ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस। यानी अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से उनके दरमियान किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करवानी है। और फ्रेंड्स इसमें भी एक टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड पोलिंग, जिसमें हर कंप्यूटर डाटा को सेंड करने से पहले दूसरे कंप्यूटर से पूछता है कि उन्हें डाटा को सेंड तो नहीं करना। अगर जब तमाम कंप्यूटर्स का रिप्लाई आ जाता है इसके बाद ही वो कंप्यूटर अपने डाटा को मीडियम पर डालता है, और इस तरीके से इन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली फंक्शनैलिटी आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का। तो इसके साथ साथ अगर एक नेटवर्क में मौजूद दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उनके दरमियान कनेक्शन को एस्टैब्लिश भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करवाया जाता है। और आखिरी फंक्शनैलिटी जो आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो है डेटा सिक्योरिटी। दोस्तों डेटा सिक्योरिटी वायरलेस नेटवर्क में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डाटा एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है तो डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का काम ये भी होता है कि अलग अलग टेक्निक्स के जरिए डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स से सिक्योर किया जा सके। फ्रेंड्स ये तमाम फंक्शनैलिटीज थी जो कि एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन कम्प्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज करेंगे।